सुगरी ड्रिंक का सेवन नहीं करना है जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, आपको अनदर कोई बीमारी भी हो सकती है। आपको प्रोटीन का सेवन अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो करना ही है ना। सो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप यूरिक एसिड लेवल को किस तरीके से कंट्रोल में कर सकते हैं। यहाँ पर आपके बॉडी में अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो आपके बॉडी में काफी सारे लक्षण दिखाई देते हैं जो कि आपके बॉडी के लिए काफी ज्यादा नुकसान होते हैं। तो आप यूरिक एसिड लेवल को किस तरीके से कंट्रोल में कर सकते हैं ये आज इस वीडियो में बताऊंगा, और मैं आपको टोटल 5 तरीकों के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या पालक, गोभी, बैगन, मशरूम खाने से हमारे यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है या नहीं बढ़ता, और इसके साथ साथ कुछ दालें होती है, छोले, सोयाबीन, अंडे खाने से क्या यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। तो ये काफी ज्यादा डाउट रहता है लोगों के मन में, ये भी चीज आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट तरीके के बारे में, उसमें है आपको मीट का सेवन नहीं करना। ठीक है, तो आपने ये सारा कुछ सुना भी होगा, डॉक्टर ने भी आपको मना किया होगा कि जो मीट है जैसे कि जो चिकन हो गया, मछली हो गया, जो भी मांस मच्छी वाली चीजें हैं वो चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। इसमें जो है प्यूरिन की मात्रा काफी ज्यादा होती है जो कि यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकता है। इसलिए आपको इन सारी चीजों का, जो भी मीट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, चाहे वो रेड मीट है, मछली है, मछली में कोई भी टाइप हो, ठीक है, तो आपको सेवन नहीं करना है, ये आपकी बॉडी के लिए नुकसान कर सकता है। ओके, इसमें जो दूसरा है आपको जो ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स में काफी सारी चीजें आती हैं। इसमें जो मेनली रहता है वो रहता है कि आपको सुगरी ड्रिंक का सेवन नहीं करना है जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे कि जो इसमें आता है, जैसे फ्रूट जूस हो गए, जो भी सेब का जूस मार्केट में मिलता है, अमरूद का जूस मिलता है, ठीक है, जो फलों के जूसेस मार्केट में पैक्ड आइटम में मिलते हैं बोतलों में, तो वो जूस का सेवन आपको नहीं करना है। और जो भी कोको कोला, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होगी, इन सारी चीजों का सेवन आपको नहीं करना है, ये यूरिक एसिड लेवल काफी ज्यादा बढ़ाती है। इसमें एक चीज और है कि आपको सोडा जो होता है उसका भी सेवन आपको नहीं करना है, ये भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ाने का काम करती है। ओके, इसमें जो तीसरा है आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। अब अल्कोहल जो है बियर में प्रेजेंट होता है, वाइन में प्रेजेंट होता है, विस्की वगैरह इन सब में प्रेजेंट होता है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको अल्कोहल का सेवन भी नहीं करना है, आपकी बॉडी के लिए नुकसान है, आपकी यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकता है। ओके, इसमें जो फोर्थ आता है वो है आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन नहीं करना है। इसमें जो काफी सारी चीजें आती हैं जैसे जो बेकरी प्रोडक्ट्स होगी, पेस्ट्रीज होगी, केक हो गया, जैम, जेलीज होगी, ये सारी चीजों का सेवन नहीं करना है। इनमें शुगर की मात्रा काफी ज्यादा हाई होती है जो कि यूरिक एसिड लेवल जो है आपकी बॉडी में काफी तेजी से बढ़ा सकती है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको व्हाइट ब्रेड की जगह आपको ब्राउन ब्रेड का सेवन करना है, तो आपके बॉडी के लिए काफी ज्यादा फायदा होगा। ओके, इसमें जो फिफ्थ है आपको फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है। फास्ट फूड यानी कि जो बाहर की चीजें होगी, तली हुई चीजें होगी, मसालेदार चीजें होंगी, उन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है। इसमें जनरली जो मैदे से बनी हुई चीजें हैं उन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है। समोसे हो गए, और भी काफी नमक पारे हो गए, ये सारी चीजें होगी, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, तली हुई चीजें होगी, इन सारी चीजों का आपको सेवन नहीं करना है, मसालेदार चीजों का सेवन नहीं करना है। ओके, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि बाहर की चीजें खाएंगे तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपको अनदर कोई बीमारी भी हो सकती है। ओके, इस बात का खास ख्याल रखें। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको बताया 5 तरीकों के बारे में। तो ये सिंपली चीजें आप इनको डे टू डे लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं, कोई ज्यादा हार्ड वाली चीज नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि क्या पालक, गोभी, बैगन, मशरूम इन सब चीजों का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, अंडे हो गए, इन सारी चीजों का क्या सेवन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि जैसे कि जो सब्जियां हैं, ठीक है, पालक वगैरह ये सारी सब्जियां सेवन नहीं कर सकते हैं, वो अपनी जगह पे ठीक है। बट अभी लेटेस्ट स्टडी में ये सामने आया है कि अगर आप पालक वगैरह, मशरूम वगैरह इन सारी चीजों का सेवन करते हैं तो इससे यूरिक एसिड लेवल नहीं बढ़ता। अभी लेटेस्ट रिसर्च में ये चीज सामने आई है। ओके, तो आप इन जो भी सब्जियां हैं ये सारी सब्जियों का आप सेवन कर सकते हैं, इससे यूरिक एसिड लेवल नहीं बढ़ता है। ओके, अब यहाँ दूसरी बात आती है कि जैसे सोयाबीन होगी, दालें होगी, सोयाबीन, ये सारी चीजें, अंडे वगैरह हो गए, क्या इनका सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सारी चीजें होगी, इनमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो आपने सुना होगा कि यूरिक एसिड लेवल में प्रोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए अगर बढ़ जाता है तो। ठीक है, तो ये बात सही है कि प्रोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए। ओके, बट आपको प्रोटीन का सेवन अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो करना ही है ना, लिमिट में तो करना ही है, उससे ज्यादा नहीं करना। ओके, अगर प्रोटीन का सेवन आप बंद कर देंगे तो आपकी बॉडी वर्क कैसे करेगी, आपकी बॉडी एक्टिव कैसे रहेगी। मास, जो भी हमारे जो मसल्स होते हैं उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो डे टू डे लाइफ में एक ह्यूमन बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको प्रोटीन का सेवन करना है, दाल, सोयाबीन, अंडे इनका सेवन करना है, बट एक मॉडरेट लेवल में। ओके, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का सेवन
हमारे शरीर के लिए नुकसान होता है, आप सभी जानते हैं। तो जो भी आप डे टू डे लाइफ में जो नॉर्मल 1 कप कटोरी दाल ले सकते हैं, अंडे 2-3 आप खा सकते हैं, तो ये सोयाबीन हो गया, थोड़ी बहुत सोयाबीन आप ले सकते हैं, तो इतना आप कर सकते हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं करना है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को रिप्लाई जरूर करूंगा। सो वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।